Assalamualaikum guys, I'm back in another video. तो guys आज कुछ करने को था नहीं. अबे यार क्या कर रहा है? रुक जा, छोड़ूंगा तो नहीं मैं. तो कहाँ पे था मैं कह रहा था कि कुछ करने को आज है नहीं. तो मैंने कहा आपको अपनी व्हीकल कलेक्शन ही दिखाया तो GTA की. तो चलते हैं मालिबू मेंशन तक ताकि वहाँ पे मैं आपको अपनी दिखा सकूँ कलेक्शन. पकड़ लेते हैं यहाँ से वाली बीजे नाम है बीजे. ओके अब चलते हैं आगे मेंशन की तरफ और आपको कलेक्शन चेक करवाते हैं. ठीक हो गया अभी ना मेंशन के तो बाहर मैं पहुँच चुका हूँ. एंड गाड़ी अंदर ले जाऊँ या नहीं है? भाई अंदर लेके चलते हैं गाड़ी को. ये हम लोग आ चुके हैं अपने मालिबू मेंशन पे. एंड अब चलते हैं आगे. हर गाड़ी की आपको मैं दिखाऊंगा. ओ बेटे हैं वो ना पहले शुरू हो गई है. यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं. ये होगी गाड़ी खड़ी. ठीक हो गया तो चलते हैं पहले हम लोग अपनी उन गाड़ियों की तरफ जो मतलब मोस्ट कॉमन है. ठीक हो गया तो ये गाड़ी आती है कि यहाँ पे मर्सिडीज GT63 हो गया. ठीक है तो इसकी आपको ड्राइव भी चेक करवाते हैं, इंटीरियर सब कुछ चेक कराते हैं. आप गाड़ी की वॉइस भी चेक कर सकते हैं. ठीक है तो अब हैंग होना शुरू हो गई अभी से. चलते हैं अब आगे. अभी नहीं हैंग हो रही तो आप लोग इंटीरियर दे सकते हैं. इस गाड़ी का फुल कस्टमाइजेबल गाड़ी है. आप लोगों को मैं इस गाड़ी का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में. आप लोगों ने अगर डाउनलोड करनी हुई तो कर लेना. ठीक हो गया तो वही एड ऑन वाला है क्या कहते हैं मेथड. आप लोग वहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं. ठीक है फुल कस्टमाइजेबल गाड़ी और गाड़ी की स्पीड तो बाप लेवल पे चली जाती है. ये देख सकते हैं आप लोग ये स्पीड देख सकते हैं. ड्रिफ्ट के लिए बहुत मज़ेदार गाड़ी है. अब चलते हैं वापस अपने मेंशन की तरफ. अगली गाड़ी की तरफ चलते हैं. अभी ये आगे मेंशन के बाहर ये गाड़ी इधर ही पार्क कर रहे हैं. ये होगी गाड़ी पार्क. ठीक है अब चलते हैं अंदर अपने मेंशन की तरफ. किस साइड से खुलता है भाई? यार सीढ़ियाँ जितनी देर में तुम्हें उतरना है इतनी देर में मैं उड़ के चला जाता हूँ. आगे चलते हैं. अब चलते हैं अपनी अगली गाड़ी की तरफ. तो नेक्स्ट पे गाड़ी आती है लंबॉर्गिनी ग्लाडो. तो ये भी गाड़ी फुल कस्टमाइजेबल है आप देख सकते हैं. और सब कुछ है इस गाड़ी का. इंटीरियर भी आप लोग अंदर से देख सकते हैं. गाड़ी का बहुत प्यारी गाड़ी है. इसकी आप ड्राइव चेक कराता हूँ आपको. ये खुल गया और गाड़ी की इतनी ज़्यादा खैर स्पीड तो उस टाइप की नहीं है बट मतलब इतनी एक्सेलरेट नहीं है इस गाड़ी का जगह पे जो गाड़ी भागने लग पड़ती है. मगर गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा है. ठीक है तो अभी देख सकते हैं आप लोग इंटीरियर भी गाड़ी का बहुत फिट है. टायर शायर सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं आप लोग. कैसे भी लेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है तो आप चलते हैं मेंशन की तरफ और अपनी अगली गाड़ी की तरफ चलते हैं. और यह कौन सी गाड़ी खड़ी हुई है? इसको यहीं पर पार्क कर देते हैं. और इस खाला को क्या हुआ है? खाला की तरफ चलते हैं. थोड़ा सा किधर गई है? हेलो इधर आना. वो बाल उतर के गिर गए. अच्छा कैप पहनी हुई थी. सॉरी खाला किधर गई है? खाला मुझे लगता है मेरे घर में चोरी करेगी. वो है खाला. खाला भी पीछे चलते हैं. वो किधर गई है? मुक्का मार रहे हैं वो. मगर चलो अब चलते हैं ऊपर अपने मेंशन की तरफ आगे अपनी अगली गाड़ी की तरफ. ये हो गया दरवाज़ा. खुल जाओ जल्दी खुल जाओ. तो अपनी नेक्स्ट गाड़ी आती है लंबॉर्गिनी हुरकैन. तो इस गाड़ी का भी फुल कस्टमाइजेबल गाड़ी है. इसका भी लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में. एंड इंटीरियर भी आप अपनी गाड़ी का देख सकते हैं. ठीक है अच्छा तो इसका इंटीरियर उन्होंने इस तरह बना दिया जैसे लंबॉर्गिनी विजन नहीं है. न्यू जो लेटेस्ट लंबॉर्गिनी विजन आई है वो उसका कंसेप्ट दे दिया. ठीक है ये लंबॉर्गिनी देख सकते हैं आप लोग पूरी कस्टमाइजेबल गाड़ी है. साथ वाली सीट पता नहीं किधर है मैंने तो लगाई थी. चलो अब इसकी स्पीड चेक कर लेते हैं. वाह स्पीड इसकी भी ठीक है. लाइक मर्सिडीज़ जिस तरह फर्स्ट में भागी है ना मर्सिडीज़ उसके अभी मुकाबले में कोई गाड़ी नहीं आई. गेम के अंदर आप गेम के अंदर तो हो सकता है ना ऊपर नीचे
और इसकी जगह पे एक्सेलरेट बिल्कुल भी नहीं है और गाड़ी बहुत फास्ट पे चली जाती है फास्ट मोड में, मगर जगह पे एक्सेलरेट नहीं है इसका। इसी गाड़ी को भी यहीं पार्क कर देते हैं बाहर। ये वहाँ से स्मूथ गाड़ी है बिल्कुल। चलते हैं अपनी अगली गाड़ी की तरफ। आगे 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 आगे। अच्छा अब आगे गाड़ी जो नेक्स्ट पे आती है वो है लंबोर्गिनी अवेंटाडोर। तो ये भी कस्टमाइजेबल है बट इतनी ज़्यादा कस्टमाइजेबल नहीं है। लाइक इसके स्पॉइलर पहले से लगा होता है, आपको सिर्फ इसकी एक लिवरी चेंज करने को मिल जाती है और कलर्स लिवरी पहले से लगी होती है, आपको बस उतार सकते हैं उसे या फिर अगर आपने लगानी हो तो। गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा है, मर्सिडीज से ज़्यादा आप जा रही है एक्सेलरेट जगह पे। आवाज़ तो थोड़ा सा है, आवाज़ थोड़ी सी ऐसी आम गाड़ियों की तरह है, मगर गाड़ी बहुत प्यारी है। ठीक है तो उसको आप ज़्यादा कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, बट इंटीरियर भी आप लोग इस गाड़ी का देख सकते हैं, बिल्कुल फंक्शनिंग है सब कुछ, ये देख सकते हैं। फॉरन भी खाऊंगी। अच्छा आप इस गाड़ी को बाहर ही पार्क कर देते हैं अपने घर के और चलते हैं अपनी नेक्स्ट गाड़ी की तरफ। थोड़ी सी अब अंदर खड़ी करनी है थोड़ी सी, हाँ रोड पे तो ना खड़ी कर सकते हैं, लग रहा है कि प्रोटोकॉल खड़ा हुआ है यहाँ पे। ये आ गई गाड़ी, ठीक हो गया, बंद हो गया, ठीक हो गया। अब चलते हैं अपनी अगली गाड़ी की तरफ। मेंशन के अंदर घुस गया है तो नेक्स्ट पे आती है अपनी रेंज रोवर। तो ये क्लासिक सी गाड़ी है, तो क्लासिक गाड़ियाँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और ये गाड़ी बहुत ज़्यादा मज़े की है, भागती भी बहुत है गाड़ी। इंटीरियर इसका आप लोग देख सकते हैं अंदर से फिट इतना इंटीरियर नहीं है, खैर जैसे पुरानी गाड़ी होती थी वैसे ही क्लासिक सा इंटीरियर है इसका भी। और हॉर्न शॉर्न काम कर रहा है, गाड़ी बहुत भागती है और इसकी पता नहीं राइट साइड का ड्राइव, राइट साइड की ड्राइव है इसकी, और गाड़ी की जो है ना स्पीड वो फिट है, मर्सिडीज़ के लेवल की ही है। रेंज रोवर की गाड़ी है, 90s की गाड़ी है ये, बहुत पुरानी 1976 1978 इस तरह की गाड़ी है। तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर आपने डाउनलोड करनी हो तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो उसको भी बाहर यहाँ पार्क करते हैं गाड़ी को। यार अभी ये भी गाड़ी मैंने यहाँ पार्क कर दी है, अब चलते हैं अगली गाड़ी की तरफ, यहीं से चले चलते हैं। तो अपनी आगे कौन सी नेक्स्ट गाड़ी, तो अपनी जो नेक्स्ट गाड़ी है वो आती है यहाँ पे होंडा सिविक रिबॉर्न, ठीक है। तो इसकी ड्राइव राइट साइड पे, बिकॉज ये पाकिस्तानी गाड़ी है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, इसकी इसका जो इंटीरियर है ना बहुत रियलिस्टिक और परफेक्ट इंटीरियर बना हुआ है, जैसे रियल में होता है। टाइप आर है बाय द वे ये, तो इसका तो मैंने आपको अगर आप उसको इसकी वीडियो चाहिए आपको तो आप मिल जाएगी मेरे चैनल पे जाके, आप इसकी वीडियो देख सकते हैं इंस्टॉलेशन की। तो थोड़ी सी ट्रिकी है मगर ठीक है, तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लें, इसकी स्पीड बहुत फिट है। इंटीरियर के इंटीरियर मुताबिक उन्होंने बहुत अच्छी गाड़ी तैयार कर दी है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, ठीक हो गया। तो अब चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट गाड़ी की तरफ, इसको यहीं पर बाहरी पार्क कर देते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे ये गाड़ी आ जाएगी, ये यहाँ पे बस ठीक हो गया। अब चलते हैं ऐसे ही ओढ़ ओढ़ के नीचे वाली अगली गाड़ी की तरफ। तो जो नेक्स्ट पे गाड़ी आ जाती है वो है BMW M4 कॉम्पिटिशन। भाई ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पॉप गाड़ी है कसम से, इसकी जो है ना स्पीड और ये सब कुछ, आवाज़ ही इसकी भाई पैसे पूरे कर दिए इसकी यहाँ पे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप लोग इंटीरियर भी इसका देख सकते हैं, बहुत फिट परफेक्टली इंटीरियर इन्होंने किया हुआ है, बिल्कुल डिज़ाइन किया हुआ है। तो आप बाहर चलते हैं और इसकी स्पीड आपको मैं चेक करवाता हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा घंटा होगा अगर टाइम सेट करते हैं साथ, बस ये टाइम ठीक है। और साथ जो वेदर है टाइम पॉज कर देते हैं ना, पॉज वो जो वेदर है ना वो भी हम लोग कर देते हैं एक्स्ट्रा सेट, बस ठीक है। अभी ना आप लोग इस गाड़ी की स्पीड यहाँ पे देख सकते हैं और इसकी ड्रिफ्ट गाड़ी की बहुत ज़्यादा है, मैंने वो एक मोड किया था ड्रिफ्टिंग का, तो उसके अंदर जो इसकी स्पीड थी ना गाड़ी की बहुत बाप लेवल पे ड्रिफ्ट थी इसकी। अभी हम लोग यहाँ पे रखते हैं, ये गाड़ी सिर्फ हैवी ड्राइवर्स के लिए बनी हुई है, ठीक हो गया। अब अगर आपने इस गाड़ी को इंस्टॉल करना है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गाड़ी की आप लोग चेक कर सकते हैं ड्रिफ्ट स्पीड और ये सब कुछ,
यहाँ पे हम लोग इसको अब आके पार्क कर लेते हैं, और पीछे हो जाए थोड़ा सा बस यहाँ पर, ठीक है। तो गाड़ी की बिल्कुल इस तरह स्मूथ गाड़ी है। तो हमारी नेक्स्ट पे गाड़ी आती है, मोस्ट फेवरेट गाड़ी है ये मेरी, BMW E36 भाई जान। ये गाड़ी जो है ना, ये बहुत ज़्यादा फिट गाड़ी है। तो ये इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसका थोड़ा सा है ना मसला कि ये जो मिरर्स है ना, मिरर्स वो खैर मैं अभी सेट कर देता हूँ। ये हो गया विंडोज़ और स्टॉक, स्टॉक में आप लोग देख सकते हैं गाड़ी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, बस हिट भी कर देना इसको। ये मोड में आ गई है एंड यहाँ पे EI ओवरराइड, एंड आप लोग इस गाड़ी का इंटीरियर भी अंदर से देख सकते हैं। खैर पुलिस नहीं देख सकते, पता नहीं क्यों, मगर देख सकते हैं आप लोग इस गाड़ी का इंटीरियर बहुत गुड लेवल पे, बाप लेवल पे जाके इंटीरियर बना हुआ है, ठीक है। तो स्पीड तो इतनी खैर नहीं है, ओनली ड्रिफ्टिंग के लिए ये गाड़ी। तो अब दिखाता हूँ मैं आपको ड्रिफ्ट इसकी, वो ड्रिफ्ट कह रहा हूँ स्पीड आपको मैं ही चेक करवा देता हूँ बस। इससे ज़्यादा आई थिंक स्पीड नहीं मार सकती, ठीक है। टॉप स्पीड इसकी इतनी होनी चाहिए, ठीक है। वो क्लासिक सी गाड़ी है तो ऐसे ही होगा ना। तो अब इसको बाहर ही पार्क कर देते हैं, और ये भी फुल कस्टमाइजेबल गाड़ी है, ठीक है। तो इसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम उधर गाड़ी को उधर रोक देते हैं, ये अब हम लोग यहीं से अपने घर जाते हैं। और मेरी मोस्ट फेवरेट गाड़ी अब आ चुकी है, ये है निसान निज़्मो, निसान GT-R निज़्मो। भाई ये तो रात को दिखाने वाली गाड़ी है, टाइम जो है वो चेंज करते हैं। आप लोग अब इस गाड़ी को देख सकते हैं, इसकी जो हेडलाइट्स है ना, वाह वाह, आप लोग ये गाड़ी को देख सकते हैं, बहुत मेरी मोस्ट फेवरेट गाड़ी बन चुकी है अभी इन गेम की। इंटीरियर इसका आप लोग देख सकते हैं, इतना प्यारा इंटीरियर है, सबसे फिट इंटीरियर है इस गाड़ी का। तो इस गाड़ी की स्पीड और ड्रिफ्ट गुड हो गया यार, सबसे ज़्यादा है इसकी स्पीड और ड्रिफ्ट, ये आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल ये जा रही है गाड़ी, आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं। और अभी तो खैर मैंने आपको ऑटो लगाया, ऑटो रिपेयर, अभी इस गाड़ी का नहीं पता कितनी ज़्यादा टूटती है, कैसे टूटती है, तो ठीक है। तो ये थी मेरी कार की सारी कलेक्शन, तो इसका भी लिंक वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये भी सिंपल वैसे ही आपको करनी पड़ेगी, ऐड ऑन करनी पड़ेगी, सिंपल ही सिंपल इसकी कोई मेथड है। तो आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और आप बताएं कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा गाड़ी कौन सी प्यारी लगी है, ठीक है। यही गाड़ी मुझे सबसे पाप लग रही है गाड़ी, ठीक है। तो इन सब गाड़ियों का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और GTA 5 जहाँ से मैं ये गाड़ियाँ डाउनलोड करता हूँ उस वेबसाइट को मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो बस ये थी मेरी सिंपल सी गाड़ियों की कलेक्शन। तो मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर कॉन्टेंट ऑफ ट्यूटोरियल और अनदर गेम प्ले। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।